दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बार फिर आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और टीम लगभग एक घंटे तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर रही। जब टीम यहां से निकली तो टीम के साथ DVR जो टीम है उसने जब्त किया था, यानी मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हैं, जहां वो CCTV कैमरे का फुटेज जहां रिकॉर्ड होता है उस डिवाइस को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां से निकली थी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल DCP और सिविल लाइन थाने के SHO समेत कई जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और लगभग एक घंटे तक मुख्यमंत्री आवास के अंदर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी और DVR को जब्त करके दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है। DVR को की अब जांच की जाएगी और जांच के बाद ही इस बात की स्पष्टता हो सकती है कि आखिर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्या हुआ था। स्वाति मलिवाल ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में अपनी कंप्लेन दर्ज की है, इस मामले में FIR दर्ज की गई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। विभव कुमार को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने 30,000 कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से विभव कुमार की 5 दिनों की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिली है। तो ऐसे में आज पुलिस कस्टडी का पहला दिन है और पहले दिन ही जो दिल्ली पुलिस है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी। एक घंटे तक मुख्यमंत्री आवास के अंदर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद रही, कई एंगल से जांच की गई है और फिर जब दिल्ली पुलिस की टीम यहां से निकली तो उनके पास CM आवास का जो DVR है वो मौजूद था। बताया जा रहा है कि DVR का जो डाटा है वो डंप किया जाएगा, उस डाटे की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर 13 मई की सुबह 9:15 से लेकर 9:42 के अंदर मुख्यमंत्री आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ क्या कुछ हुआ था और स्वाति मालीवाल प्रकरण की पूरी सच्चाई क्या है। प्रोजेनिस्ट अनूप यादव के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।